कि बेटा इसको रट लो, मैं समझाऊंगा, आप समझेंगे, आप समझ के याद कर लेंगे, आप देखिएगा। हाँ बेटा, कौन हैंड रेज किया बताएगा मेरे को? मैं हर चीज कोशिश करूंगा समझाने की, अंटिल यू मीन्स अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, जब तक आप बिल्कुल अच्छे से एकदम कंठस्थ दिमाग में नहीं हो जाता है कि हाँ दिमाग में बैठ गया, मैं जब तक मतलब आपको समझाऊंगा, एक बार नहीं 20 बार बोलेंगे, 20 बार समझाऊंगा। मैं आपका टीचर हूँ, मेरा धर्म है ये कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है? धर्म और कर्म दोनों है। तो अब आते हैं हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। अच्छा, केमिस्ट्री क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज हम डेली बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? एक दिन में नहीं खत्म हो सकता ये। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे, अपने कोर्स में हम आए अगर, तो कोर्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर है मैटर सराउंडिंग अस, या मैटर अराउंड अस, मैटर सराउंडिंग चलो अस, यही है चैप्टर का नाम। दिस इज योर चैप्टर नेम, ओके? फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस या मैटर सराउंडिंग अस, ठीक है? यही है चैप्टर का नाम। बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ना है, मेन मुद्दा क्या है कि व्हाट इज मैटर, बेसिकली द पॉइंट इज व्हाट, व्हाट इज मैटर। तो बेटा, आप लोगों में से बहुत लोग बार बार बेटा हिमांशु अनम्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग म्यूट करके रखें सो दैट मैं इजिली आप तो अपनी चीजें आप तक कन्वे कर सकूं। कृष्णकांत, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। हाँ, चैट में कोई मेरे को कुछ भेजा, सर फ्रॉम विच बुक यू आर टीच? एनसीईआरटी एवरी रेफरेंस बुक आई विल फॉलो, एवरी रेफरेंस बुक, मैं कोई एक स्पेसिफिक बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा गौरी, ठीक है? आई विल फॉलो ईच एंड एवरी, आपकी स्कूल में जिस किसी स्कूल में अगर कोई और बुक चल रही है रेफरेंस की, ब्लू बेल्स में या किसी में, ऐसे लग रहा है कि नहीं कोई और बुक सर पढ़ा रहे, चैप्टर इज सेम बट रेफरेंस बुक डिफर्स, ओके? तो बेसिक फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, लेकिन हम सारी बुक के क्वेश्चन, सारी बुक के पॉइंट, सारी बुक के हम फॉलो करके सब कुछ पढ़ेंगे। और हमारे पढ़ाई में ऐसा है कि साल भर में जब पढ़ोगे आप फरवरी तक, तो 3 बार सिलेबस खत्म होगा आपका, 3 बार केमिस्ट्री का मैं 3 बार सिलेबस खत्म करूंगा, पूरा साइंस का आपका हर सब्जेक्ट का 3 बार सिलेबस होगा। तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है? तो हम आते हैं मैटर के ऊपर, वेरी गुड। मैटर क्या है बेटा? मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब आ गए हम अपने पॉइंट पे भाई, एकदम कंसंट्रेट होके समझेंगे। मैटर कैन बी एनीथिंग, मैटर कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, ठीक है? कोई चीज मैंने नहीं बोला कि ये चीज मैटर होगी, मैटर कैन बी एनीथिंग, वेरी गुड। जो क्या करे, हम डेफिनेशन नहीं बता रहे, हम बताएंगे पॉइंट्स। जो क्या करे, तीन चीज को सेटिस्फाई करे, विच सेटिस्फाइज द थ्री थिंग्स, दैट इज उसको हम बोल देंगे, आंख बंद करके हम उसको बोल देंगे, भाई साहब ये मैटर है। कोई भी आप में से बोल सकता है आंख बंद करके ये मैटर है, इफ इट सेटिस्फाइज द थ्री पॉइंट्स विच आई एम डिस्क्राइबिंग नाउ, ओके? ओके, लेट्स टेक फर्स्ट वन। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इट मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब आप सभी लोग कहीं ना कहीं बैठे हो, कुछ बच्चे तो हमें दिख भी रहे हैं बैठे हैं, मतलब डेफिनेटली आपने वो जगह ऑक्यूपाई की है जहां पे भी आप बैठे हो, डेफिनेटली यू हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस वेर यू आर सिटिंग, ओके? तो वो जगह आप ऑक्यूपाई किए हो, मीन्स पहला सेट कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दिया, पहली कंडीशन आपने फुलफिल कर दी मैटर होने की, ऑक्यूपाइज स्पेस मीन्स दैट इज, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। अगर कोई चीज जगह घेर रही है, इफ समथिंग इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, देन इट शुड हैव सम वॉल्यूम, इट इज 100% ट्रू कि उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज मास, सेकेंड पॉइंट इज मास, इट शुड हैज इट्स ओन मास, जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं उसका खुद का मास होना जरूरी है,
खुद का मास होना, जैसे आपका खुद का मास है, मांस मीन्स, मास मीन्स वजन, यू हैव मास, ओके 5 kg, 5 kg का तो कोई नहीं होगा आप लोगों में 15 kg, 15 का भी नहीं होगा, 30, 35, 40 ऐसे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये केजी आपका मास बताता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। कृष्णकांत क्या पूछ रहे हो बेटा, बताओ, पूछिए बेटा कृष्णकांत, यू आर आस्किंग समथिंग, यू हैव रेज योर हैंड बेटा। अगर पूछना नहीं है तो हाथ नहीं खड़ा करना है, ठीक है, गोली नहीं देनी है टीचर को, हाथ खड़ा कर लिया पूछेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या है मास, मास होना जरूरी है, इट्स शुड हैज इट्स ओन मास, मास होना जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इट कैन बी क्या नहीं लिखते हैं, हम केवल ये लिखते हैं, कैन बी परसीव्ड बाई आवर सेंसेस। आप सभी लोगों के पास सेंस है, पता है सभी लोगों के पास सेंस है, जितने बैठे हो बच्चे सबके पास सेंस है, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसको अपन क्या कर सके, अपने सेंस से परसीव कर पाए, परसीव मीन्स वॉट फील, परसीव मीन्स वॉट फील, वी कैन फील इट, ओके। जैसे मैंने आपको छुआ, या आपको किसी ने छुआ, या आपके हाथ में आपका आंख बंद है और आपके हाथ में किसी ने पेन रखा, तो आपका दिमाग ये कहेगा कि आपके हाथ में कुछ तो रखा गया है, मीन्स योर सेंसेस आर परसीविंग इट, योर सेंसेस आर फीलिंग इट, मीन्स दैट थिंग इज मैटर, दैट थिंग इज मैटर जो आपके हाथ में आई हुई है। पहली चीज क्या होना चाहिए उसके पास, खुद का वॉल्यूम, मीन्स इट मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस, सेकेंड वन इट मस्ट हैज इट्स ओन मास, एंड थर्ड वन इट कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस। एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर, प्लीज गिव थम्स अप टू मी सो दैट आई कैन गेट, यस सर, यस सर, वेरी गुड नैना, थम्स अप दे दिया करो, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। भावना बेटा समझ में आया, देवांश, देवांश आर यू गेटिंग, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन स्पीक अप, देवांश अभी आए हो आप क्लास में, आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, आप बोल नहीं रहे हो तो शायद आप अभी शर्मा रहे होगे हमसे कि सर अभी तो नहीं, अभी थोड़ा सा हो जाने दो 10 मिनट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तीनों चीज को जो भी चीज फॉलो करती है दैट इज नोन एज मैटर। अब हम डेफिनेशन बना लेते हैं, चुटकी में डेफिनेशन बना सकते हैं अपना, क्या है मैटर, इज एनीथिंग दैट है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मींस इट हैज वॉल्यूम, एंड दैट हैज मास, एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस आर नोन एज मैटर। ये हो गई डेफिनेशन, किताब उठाओ देखो यही लिखा है, किताब उठाओगे देखोगे यही लिखा है, लिख के आओगे एग्जाम में पक्के में 100% आपको टीचर नहीं दिया अगर पूरे में पूरे नंबर, मेरा नाम बदल देना उसमें, मैटर का अगर डेफिनेशन बोले है तो ये आपने लिखा तो ये पक्के में सही है आपका, तीन चीज सेटिस्फाई, तीन पॉइंट हमको याद रखने बस, आप इतने होशियार हो कि आप डेफिनेशन बता सकते हो, सभी लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी इंग्लिश है, आप अपने से बना सकते हो डेफिनेशन, तीन चीज बस पता होनी चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस, मास, परसीव्ड बाय योर सेंसेस, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। तो हो गया मैटर, अब भाई साहब एग्जाम्पल, सभी लोग मेरे को अब अनम्यूट कर करके एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल का नाम बताएंगे, लेकिन 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 सबका एग्जाम्पल सेट अलग अलग होना चाहिए, कोई डबल नहीं करेगा, ठीक है। जल्दी से मेरे को बताएगा बेटा सब लोग, या चैट में लिख के भेज सकते हो, हाँ जल्दी बताइए कृष्णकांत सर, वुड और शुगर, वेरी गुड, वुड शुगर, चलो और कोई सर, सॉल्ट, सॉल्ट, वेरी गुड, और जल्दी बोलो इतना टाइम नहीं है, एक और बोलो सर, बॉक्सिंग बॉटल, बॉक्स है, बॉक्स भी है बेटा और बॉटल भी है, दोनों है, हाँ वाटर, जल्दी सर, वाटर, वाटर, वेरी गुड, और
स्टैंड बेटा आप अपने हाँ बुक्स आप अपने घर में बैठे हो, आप अगल बगल देख लो, आपको इतनी सारी चीजें दिखेंगी। ऑर्डर? हाँ जी ऑर्डर। ऑर्डर नहीं होता बेटा, होता है सर सोफा। हाँ ऑर्डर मतलब क्या? टेस्ट। यस सर। टेस्ट इज नॉट अ मैटर बेटा, इट कैन नॉट, इट डज नॉट हैज मास। आपका मास होता है क्या ये बताइए? आप कहोगे कि ये चीज इतनी टेस्टी है, ये बता सकते हो क्या? 10 सेंटीमीटर टेस्टी है या 1 केजी टेस्टी है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नो सर। तो ये नहीं है ना, और कोई बताओ बताओ। आप अपने चारों तरफ देखो ना एक बार, आपके घर में एक बार चारों तरफ देखो। विंडो, वेरी गुड। विंडो और मोबाइल, वेरी गुड। मोबाइल तो अभी तक कोई बोला नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल अभी तक कोई बोला नहीं। मोबाइल सर। टैंक। टैंक। चेयर, वेरी गुड। लैपटॉप, बेड, वेरी गुड। और सर फोटो। फोटो किसकी? फोटो सर, फोटो भी तो दीवार पे। फ्रेम। फ्रेम बेटा, फ्रेम सर, नॉट फोटो, फ्रेम। फोटो फ्रेम। हाँ ठीक है, अब हो गया। आप इसका मतलब आप लोग समझ गए। इट मींस दैट यू ऑल ग्लास, वेरी गुड। हाँ मनसा, लाइट। बेटा मनसा कहाँ हो, अब बोलो। लाइट तो नहीं, मैं मनसा को बोलने तो मनसा बेटा प्लीज आप अपना अनम्यूट करिए, अब हमसे बात करिए। मनसा, मनसा जस्ट टॉक टू मी बेटा। तू जाओ। हाँ बेटा नैना बिल्कुल सही है, बेड सीट सनग्लासेस, वेरी गुड। मनसा बात करो बेटा हमसे। आप देखो आपको बात करनी चाहिए आप, क्योंकि बहुत ही अच्छा जवाब दिए हो। पेंसिल, वेरी गुड। अनन्या, एसी राजी राशि, हाँ वेरी गुड। मनसा बेटा आप अनम्यूट करें, ठीक है। हाँ बताइए मनसा, अनम्यूट किया था आपने अभी। आप अपने मोबाइल के ऑडियो पे अनम्यूट कर सकते हैं, वहां पे अनम्यूट करके बोलिए हमसे। गोल्ड, वेरी गुड। कृष्णकांत, वैसे ही बोलते रहो आप लोग। इरेजर, नैना, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया, बहुत बहुत कुछ बोल लिया हमने, बहुत कुछ हो गया। हाँ नोटबुक, हाँ हाँ ठीक है। पेंसिल, अरे हाँ यार पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, क्लोथ्स। आप अपने आप को तो नहीं बोले, आप खुद भी तो मैटर हो। यू आर ऑल्सो अ मैटर। आप कैप जो पहने हो हिमांशु, वो भी मैटर है, हैं? और जो भी चीज है, मतलब जिसके पास आप अगर कैप उतार के रखोगे जहाँ पे, तो वो जगह ले लेगा वो कैप। मींस इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, इट हैज अ मास, भले कम है लेकिन वजन है। और उसको अगर हम किसी के हाथ में दें तो वो फील करेगा कि नहीं हाथ में कुछ आया है। तो दैट इज द थिंग, मींस आई थिंक यू ऑल हैव अर्थ, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम। ओके अब ये बताओ मेरे को आप लोग, अब ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैटर नहीं है, समथिंग आर देयर इन आवर डेली लाइफ अक्रॉस अस विच आर नॉट मैटर। अब वो कौन सी चीजें हैं वो चीज हम देखेंगे। कोई बोलेगा नहीं बेटा, जो प्रीवियस क्लास में था कोई नहीं बोलेगा हमसे, जस्ट वो रिवीजन करेंगे अपना, ठीक है। ये चीटिंग हो जाएगी अगर कोई बोल दिया पुरानी क्लास वाले में से, तो ठीक है। तो ठीक है, तो समथिंग विच आर नॉट मैटर, कुछ चीजें हैं जो मैटर में फॉल नहीं करती हैं, दे आर नॉट मैटर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में।
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में वो। कोई बताएगा बेटा मेरे को एक चीज, कोई भी मेरे को अनम्यूट करे और बता सकता है क्या मेरे को कि सर ये चीज है जो मिल्क नहीं बेटा, मिल्क क्या जगह में बोतल में जगह नहीं लेती है क्या? ऑक्सीजन आपको घर में जो दे के कोई जाता है दूध वाला या कोई, वजन नहीं करके लेते हो क्या आप? सर वजन भी होता है, एयर भी नहीं है बेटा, एयर इज ऑल्सो अ मैटर, एयर कैन बी फिल्ड इन अ बैलून। आप आंख बंद करो, पंखा चल रहा है, आप फील कर सकते हो हवा को, यू कैन परसीव इट, यस और नॉट? यस सर, मींस इट इज अ मैटर। ओके हाँ लाइट सर, साउंड एंड साउंड लाइट। ओहो कौन है ये? सर मी हिमांशु। यस सर। कहाँ थे हैं? क्या बात है भाई, कहाँ पढ़ा सर, इसको कहाँ पढ़ा है इसको? गौरी 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 डू नॉट चैट, आप पढ़े हो पहले से बेटा? सर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एट की चीजें अगर आपको याद है मींस यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। ओके द फर्स्ट थिंग इज लाइट, लाइट। आप बेटा मेरे को क्या होता है मैं ये बताऊं, लाइट आप ध्यान से देखो, ट्यूब लाइट की बात नहीं हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्यूब लाइट। ओके नॉट टॉकिंग अबाउट बल्ब, नॉट टॉकिंग अबाउट द CFL। ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग which comes from tube light means light, sun rays, sun से जो light आती है that is sun rays, वो light की बात हो रही है। आप सोचो जरा light का mass होता है क्या? नहीं। देखो तीन चीजें satisfy करनी है इसको, पहला चीज mass नहीं हो, volume जगह लेता है क्या आपके घर में? जगह लेता है क्या light की? हाँ भाई साहब धूप लानी है, बेड हटा लो मम्मी, बताओ ऐसा करता है क्या कोई कि मम्मी बेड हटाओ जल्दी लाइट को वहां रखना है? नहीं सर, वो बेड के ऊपर ही लाइट आ जाती है, आपके ऊपर लाइट आ जाती है तो वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो खुद का जगह नहीं लेता है कुछ, दैट डज नॉट ऑक्यूपाइज स्पेस फॉर इट्स ओन। ओके तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, मैटर नहीं है। और उसको हम फील तो कर सकते हैं, देखो फील तो कर सकते हैं। देखो मैं ये बताऊं आप लोगों को, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर हम धूप में खड़े रहें बहुत देर तक तो वो धूप हमको फील होगी, डेफिनेटली होगी। तो थर्ड वाली जो कंडीशन है परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, इट इज नॉट, हाँ कृष्णकांत बहुत सही, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट ये जो फर्स्ट वार और सेकेंड वाली है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड एंड ये थर्ड, ये फर्स्ट एंड सेकेंड तो बिल्कुल कंपलसरी है बेटा। समटाइम्स थर्ड वाले में दिक्कत होता है तो उसको हम लिखते तो हैं लेकिन हर जगह पे फॉलो नहीं होता है। कई बार आप क्या करोगे, आप सोचो कि लाइट में आप कई बार रात में आज आप टेस्ट करना, आप ये चेक करना, आप रात में मतलब आंख बंद करके लेटना और अपने भाई या मम्मी या पापा किसी से बोलना लाइट जलाओ, लाइट बंद कर रखना, लाइट जलाने के लिए बोलना, तो आप आंख बंद कर रखोगे फिर भी आपको फील होगा कि कुछ जला है घर में, फील हो जाएगा, आपके सेंसेस फील कर लेती है वो, लेकिन ये एक्चुअली डिफाइन इस केस में नहीं आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ दीज थ्री कंडीशंस, दिस कंडीशन इज लिटिल बिट इन डाउट। ओके बट डेफिनेशंस बताई गई हैं, ऐसी साइंटिस्टों ने बोला कि ले सकते हैं लेकिन नॉट, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू इज दो बी फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑलवेज ट्रू इज दिस फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। ओके तो ये पहला और दूसरा तो हमेशा मतलब होना ही चाहिए तभी मैटर होगा। तो अब हम आएंगे वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, दूसरी चीज, सेकेंड थिंग इज व्हाट, सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपने तार लगाए हैं घर में, अब उस तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जगह नहीं लेती है, वायर जगह लेता है आपके घर का, वायर जो है वो जगह लेता है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है, दैट इज नॉट टेकिंग एनी स्पेस, उसका कोई मास नहीं है, उसका कोई मास नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी जगह नहीं लेती, उसका मास कुछ नहीं है। कृष्णकांत वेरी गुड। तो
वो उसका मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। और भाई साहब ये डेफिनेशन फिर भी देखो यहाँ पे भी ये थर्ड वाला पॉइंट गलत होता है। कैसे? आप इलेक्ट्रिसिटी को छूओगे करंट नहीं लगता है, लगता है फील कर सकते हो आप लोग। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ पॉइंट है थर्ड वाला। थर्ड वाला केवल बुक में दिया इसलिए हमने आपको बताया, ठीक है। इट डज नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइज। ओके, तो हम दो चीजें कर लिए। तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट इज व्हाट? थर्ड थिंग इज व्हाट व्हिच इज नॉट अ मैटर। थर्ड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म। दिस इज ऑल्सो नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। ये भी मैटर नहीं होता है। हा, कौन हाथ रेज कर रहा है? हु इज रेजिंग हैंड? जस्ट टेल मी हु इज रेजिंग हैंड। ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्थ पॉइंट आपके साथ हमेशा ये चीज रहती है बेटा, आपके साथ ही चलती है, आपका पीछा नहीं छोड़ती है और आपके साथ रहती है। और वो मैटर है, मैटर नहीं है। शैडो, वेरी गुड। शैडो इज नॉट अ मैटर। वो जगह नहीं घेरती। आप लोग छुपन धूप में बहुत खेले हो गए अपने दोस्तों के साथ, आपकी परछाई के ऊपर वो आके खड़ा हो गया, उसकी परछाई के ऊपर आप जाके खड़े हो गए, खेला ऐसे, ठीक है। तो शैडो खेला है सब लोगों ने। तो ऐसे जो शैडो भी होता है दैट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। उसका मास नहीं होता है, वो जगह नहीं लेता है, ठीक है। उसके शैडो के ऊपर कोई जाके खड़ा हो गया, अगर वो जगह लेता है तो कैसे खड़ा हो सकता है, उसको हटाना पड़ता है। तो शैडो इज नॉट अ मैटर। और कोई चीज जो मैटर नहीं है? टाइम। बहुत अच्छी बात है। टाइम इज हीट। हीट का मतलब लाइट में आ जाएगा बेटा। ग्रेविटी ऑल्सो। ग्रेविटी इज नॉट एनी थिंग। ग्रेविटी सही है, नॉन मैटर के। सर विंड। कौन सी चीज? सर विंड। विंड एयर हो गया ना बेटा, एयर तो मैटर होता है। एयर इज अ मैटर। फायर राशि। हाँ हो सकता है क्या? हाँ जी। रिफ्लेक्शन? ना ना ना, ये रिफ्लेक्शन ये सब फिनोमिना है बेटा। दिस इज ऑल आर प्रोसेस। रिफ्लेक्शन दिस ऑल आर फिनोमिना। दिस आर नॉट एनी थिंग। वो कोई चीज थोड़ी है, वो कोई चीज नहीं है। आप रिफ्लेक्शन करके कोई चीज देख सकते हो क्या? तो अब क्या है? लव, हेट, फीलिंग्स, टेस्ट, एनीथिंग दैट कम्स अंडर दैट, दे आर नॉट मैटर। इनका कोई वो नहीं है, मास नहीं है, ना वॉल्यूम है, ना तो कुछ है। तो ये सब चीजों के बारे में हम बहुत बात कर लिए। दिस ऑल आर द थिंग विच आर नॉट मैटर, विच आर नॉट मैटर। और एक चीज तो बहुत जरूरी थी, हमने छोड़ दी बेटा, बहुत जरूरी है वो तो। सेवन, साउंड। सो तो बताया है। साउंड लिखा कहाँ इसमें? बताया तो है लेकिन लिखा नहीं है ना। साउंड इज ऑल्सो नॉट। कहाँ लिखा है साउंड? कहाँ लिखा है साउंड? अब लिखा है, अब लिखा है ना। हाँ ऊपर जाए। हाँ, साउंड इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। साउंड इज नॉट अ मैटर। ओके, तो आप जो बोलते हो, हम जो बोल रहे हैं, उसका मास थोड़ी है। हाँ मैंने आज 1 किलो बोला, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो या हमने जो बोला वो बोरी में भर ली, वो जगह ले रहा है, नहीं ऐसा थोड़ी है। तो दिस ऑल आर नॉट अ मैटर। ओके, तो दिस आर द थिंग्स विच आर नॉट अ मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या है बेटा, अब हमको पढ़ना है, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। ये सब चीजें लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ये सब फिजिक्स का मैटर है। आप पढ़ोगे फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब ये जो बेटा मैटर होता है, सुनो, अब ये जो चीज मैटर होती है, ये किसी ना किसी चीज का मिलके बना होता है। जैसे हम बात करें हमारे जो इंडियन कल्चर है,
हमारे महर्षि लोग जो तो पुराने ऋषि लोग थे, ठीक है, वो ऋषि लोग भी कुछ बोला बोल के गए थे। ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि लोग कुछ नहीं बोले साइंस में, बोले थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या है, मैटर जो है, कोई भी चीज जो है वो पांच चीज से मिलके बनी हुई है, पांच चीजों से मिलके बनी होती है। अच्छा, शक्तिमान का नाम सुना है आप लोगों ने क्या? Yes. शक्तिमान सीरियल आता था एक। Yes, sir. शक्तिमान एक सीरियल आता था बहुत पहले, आप लोग तो नहीं देखे होंगे, हम लोग के बचपन में था, ठीक है। तो मुकेश खन्ना उसके हीरो थे और वही शक्तिमान थे, घूमते थे ऐसे चक्री चक्री, ठीक है। तो क्या था कि उसमें शक्तिमान जब बैठ के तपस्या अपना वो करता था, जब अपनी शक्ति जागृत करता था, तो वो पीछे उसके पीठ पे पांच तत्व बन के आते थे, ठीक है। तो बोला जाता है साइंस में, हमारे ओल्ड कल्चर, हमारे जो क्या नाम है, जो हम लोग के ऋषि महर्षि लोग जो बोले थे, वो ये बोले कि बेसिकली कोई भी चीज मैटर जो होती है वो पांच चीज से मिलके बनी होती है। व्हाट आर द थिंग्स? पहली चीज, वेरी गुड, पहली चीज वायु, एयर, वायु बोलते हैं हम हिंदी में। सेकेंड वॉटर, वेरी गुड, वॉटर मीन्स जल, और स्काई, वेरी गुड गौरी, वेरी गुड, वेरी गुड गौरी, वेरी गुड, फायर, अग्नि, फायर, सर अर्थ, वेरी गुड, धरती, सर रॉक, रॉक नहीं बेटा, सर स्टोन नहीं, पांचवी चीज क्या है? एयर, स्काई, सर एयर, स्काई, आकाश, आकाश, ठीक है, आकाश, वुड नहीं है बेटा। ये पांच चीजों से आप देख लेना एक बार शक्तिमान, उसमें यूट्यूब पे, तो ये पांच चीज बताएगा आपसे, एयर, धरती, उसमें हिंदी में बोलता है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन पांच चीजों से मिलके हमारा शरीर बना है, और हमारा शरीर एक मैटर है, ठीक है। Our body is a matter, और ये पांच चीजों से मिलके बना है। और ये चीज क्या है, पांच चीज प्रूफ नहीं हुई इतनी ज्यादा, इसलिए हमारे सब्जेक्ट में, हमारे साइंस में अब ये नहीं पढ़ाया जाता है। अगर हमारी बुक्स में ये चीज मेंशन तो है, लेकिन अब हमें ये पढ़ाया। हाँ अनस बोलिए बेटा। सर यही डाउट था कि इंसान थोड़ी आग से बनना होता है, सर आपने बता दिया प्रूफ नहीं हुआ। तो इंसान जो है इन पांच चीजों से मिलके बना है, ये चीज अब तो भाई स्पिरिचुअलिटी की चीजें हो जाएंगी, अत्याधुनिक हो जाएंगी, हम लोग साइंस से बगल निकल जाएंगे, तो उतना हम जाएंगे नहीं डिटेल में, हम बस इतना बताएंगे कि ये पांच चीजें हैं जिससे मिलके मैटर बना है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, ओके, ठीक है। तो अब क्या है, बेसिकली साइंस में, केमिस्ट्री में जो चीज है, केमिस्ट्री में जो पढ़ाया जाता है वो इससे हटके पढ़ाया जाता है। वो बोला गया कि मैटर जो है, मैटर, एक बंदा आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन अब्राहम नहीं, जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन अब्राहम नहीं है, जॉन डाल्टन है। तो सर गौरी, हाउ आर बॉडी इज मेड अप ऑफ? सर बेटा ये चीज मैं वही तो बोला, आध्यात्मिक है ये सारी चीज, आध्यात्मिक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन के लिए अलग तरीके का टीचर चाहिए आपको जो आध्यात्मिक चीजें समझा पाए। तो हम भी कोशिश करेंगे बाद में, कभी टाइम मिला रेगुलर बैच में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन आज हम बेसिकली साइंस सब्जेक्ट समझते हैं। तो उसमें हम पहला बंदा जो था, फर्स्ट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस मैन जॉन डाल्टन इन 1805 इसने बोला कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर नोन एज एटम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसने पहली बार बोला कि मैटर जो है सबसे छोटा पार्टिकल, जिस चीज का मिलके वो बना है, द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ विच इट इज मेड अप ऑफ, दैट इज ही कॉल्ड इट एटम। पहली बार नाम आया एटम, लोग बल्ले बल्ले हो गए,
लोग खुश हो गए, भाई साहब पहली बार किसी ने एक नाम बोला और इसने इस भाई सबने डाल्टन की बहुत बड़ाई की, डाल्टन का बहुत नाम हो गया उस समय, डाल्टन का बहुत नाम हो गया, डाल्टन के पीछे लोग पड़ गए, भाई कैसे बताए कैसे बताए कैसे बताए। अब डाल्टन ने क्या क्या बताया ये भी हम समझते हैं, ठीक है ये भी हम समझते हैं। तो डाल्टन ने ये बोला कि मान लो सपोज दैट ये है एक बॉक्स, सपोज दैट ये बॉक्स का क्या है मोबाइल है, मान लो आपका मोबाइल, मोबाइल को हमने मैटर बोला था बेटा, बोला था ये मोबाइल है, मोबाइल फोन सैमसंग का मोबाइल फोन है, ठीक है मैं सैमसंग यूज करता हूँ तो सैमसंग ही लिख देता हूँ, सैमसंग का मोबाइल फोन है ये। अब ये मोबाइल फोन एक मैटर है, क्या है मैटर है, लेकिन ये बोला डाल्टन ने, डाल्टन ने ये बोला कि भाई साहब ये जो सैमसंग का मोबाइल है, ये जो मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। इसने नाम दे दिया कि सबसे छोटा टुकड़ा जिस चीज का ये बना है मैटर, ये सैमसंग मोबाइल का फोन जो बॉडी बनी है उसकी, दैट इज मैटर, अरे दैट इज एटम। अब ये चीज बोल दिया उसने, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए कि भाई साहब एटम क्या होता है, अपनी थ्योरी बताओ आप, क्या बोला क्या कैसे किया, ये सब चीजें भी पूछी गई कि भाई साहब मैटर कैसे है क्या है। तो अब ये सारी चीजें हम मैटर की अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आज हमने जो पढ़ाया आप लोगों को, मैं बहुत कुछ तो नहीं पढ़ाया आज, लेकिन आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कैसा मजा आने वाला है आगे केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, कौन सी चीजें जो मैटर नहीं है, और मैटर को पहली बार बोला डाल्टन ने कि मैटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। अब इन एटम को हम आगे देखेंगे, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, फिर मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। आप कौन से स्टेट में हो मैटर के बताओ जरा हमको। सॉलिड सॉलिड में हो ना आप, सॉलिड में हो। पानी किस स्टेट में है? लिक्विड, लिक्विड दैट इज द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट मीन्स अवस्था, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स, दैट इज दैट कैन फ्लो, वो लिक्विड में है, ओके। एंड द थर्ड वन इज एयर, इसमें क्या है गैस में, दैट इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। एंड आपके बुक में अब ये भी आ गया होगा चौथा और पांचवा स्टेट, अब वो एक्चुअली अभी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन देयर इज ऑल्सो अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा, इज नोन एज प्लाज्मा, एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज बीईसी। बी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ बेटा, मैं सब पढ़ाऊंगा बस बता रहा हूँ, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके दिस फुल फॉर्म बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पांचवा स्टेट है। चौथा और पांचवा अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको बस तीनों पढ़ने हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। चौथा पांचवा का केवल बस आइडिया लेना है और कुछ नहीं, ओके देन होप सबको समझ में आया होगा। अनन्या के घर पे लग रहा है कोई आया है, कोई फ्रेंड आई है कि हाँ हमको जाना है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, और ओके होप आप लोग को समझ में आया होगा। एवरीवन प्लीज गिव थम्स अप टू मी सो दैट आई कैन गेट द प्लाज्मा। हाँ कृष्णकांत वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हो बेटा, ओके। नैना समझ में आया बेटा, ओके देन थैंक यू बाय, ओके बेटा थैंक यू सर, ओके बेटा यू हैव योर मैथ क्लास, ओके जस्ट आफ्टर दिस यू हैव योर मैथ्स, नॉट मैथ्स बायोलॉजी क्लास, ओके बायो का बोला था, हाँ जी बायोलॉजी क्लास जस्ट आफ्टर दिस, ओके थैंक यू सर, ओके ओके बेटा।